हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। आज मैं आप लोगों को 10th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज 4.3 से है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का 10th हेलो क्वेश्चन। गाइस, तो चलिए हम 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इंटरमीडिएट स्टेशन। जो बीच के स्टेशन पर जो रुकता है उस टाइम को छोड़ते हुए हमें लेना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट वन पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। पैसेंजर ट्रेन और हमें जो एक्सप्रेस ट्रेन है दोनों का स्पीड फाइंड करना है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। ओके, सॉल्यूशन लेट करते हैं। लेट द स्पीड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन द स्पीड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा इससे 11 ज़्यादा। एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 11 इससे ज़्यादा स्पीड है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन सॉरी 11 किलोमीटर पर आवर। किनका हो जाएगा स्पीड, अदर ट्रेन का, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ। सॉल्यूशन, टाइम टेकिंग बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आवर्स एंड टाइम टेकिंग बाय पैसेंजर ट्रेन, इज इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन x, 132 अपॉन x आवर्स, है ना। तो ये टाइम लेता है, ये जो टाइम है वो सॉरी ये जो टाइम है पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया जा रहा है, और ये जो टाइम है 132 अपॉन x प्लस 11 ये एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया जा रहा है। दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है, 1 आवर का। तो चलिए हम आगे पेज पर चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आवर, एक 1 आवर का डिफरेंस है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 132x और प्लस 11 2 जो 22, 11 3 जो 33, +2 35, 3 कैरी हो गया, 11 1 जो 11 और 3 1 4 हो जाएगा, 1 4 5 2 हो जाएगा, और फिर ये -132x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1 आवर। यहाँ पर देखिए आपका ये 132 और ये 132 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं साथ में, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड इक्वल हो जाएगा आपका 1452, 1452 ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है ना। अब इसे अगर एक बार और लिख लिया जाए तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और इस 1452 को आप LHS में ले जाएंगे तो ये होगा 1452 इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए, हम अगले पेज पर चलते हैं। नाउ हमारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 11 हो गया, और सी इज इक्वल टू हो गया आपका -1452। अब हम डिफाइन कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 11 स्क्वायर,
माइनस फोर इंटू वन इंटू सी हमारे पास है माइनस वन फोर फाइव टू, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एलेवन, एलेवन जो 121 होता है, और इसे माइनस को माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, फोर टू जा एट, फोर फाइव जा ट्वेंटी जीरो, फोर फोर सिक्सटीन टू एटीन, वन केरी, फोर वन जा फोर वन फाइव, सॉरी फोर वन फाइव, यानी फाइव एट जीरो एट हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एट वन नाइन हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, और एट वन नाइन हो जाएगा, और ये फाइव हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जीरो से बारह निकला। तो वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, दैट मीन्स एक्स का टू वैल्यू आएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम इसे साफ करते हैं। इस तरह डी हमारा दो डिफरेंट रूट निकला है, तो एक बार माइनस ले लेते हैं, एक प्लस ले लेते हैं। चलिए हम पहले प्लस से बनाते हैं, डी अपॉन टू ए इज इक्वल टू माइनस एलेवन प्लस रूट अंडर फाइव नाइन टू नाइन, यह हमारा डी निकला था, और टू इंटू वन दैट मीन्स एलेवन प्लस, चलिए मैं इधर फाइव नाइन टू नाइन, फाइव नाइन टू नाइन का आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता हूँ। तो पहले पेयर लगा लीजिए, अब यहाँ देखिए सेवन जा लगेगा, क्योंकि जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसी से डिवाइड भी करना होता है। तो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन आ जाएगा, अब यहाँ माइनस कर दो जीरो वन और टू नाइन आ जाएगा, ये सेवन सेवन फोर्टीन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कैसे लगेगा, तो नाइन से लगेगा, देखिए नाइन नाइन जा सेवन से, देखिए सेवन से लगा के देखिए, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, नाइन फोर के लिए सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, आप फोर प्लस कर देंगे तो थर्टी टू, और सेवन वन जा सेवन और थ्री टेन, यानी आपका ये टेन जीरो जीरो जीरो, यानी सेवेंटी सेवन स्क्वायर रूट निकला, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा, तो इसे चूँकि चलिए साफ कर देते हैं, इस तरह आपका निकला सेवेंटी सेवन अपॉन टू, आप इसको कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 66 अपॉन टू, ये कैंसिल कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 33, यानी x का वैल्यू क्या आया 33, ठीक है ना। अब चलिए एक और वैल्यू लेते हैं माइनस में, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा माइनस 11 होगा, और रूट डी यहाँ मैंने फाइंड किया है, तो रूट डी का वैल्यू है 77 और 2a यानी 2 इंटू वन, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा माइनस में, और 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 44 आएगा। तो इस तरह आपका 2 वैल्यू हो गया 33 और माइनस 44, इसे नोट कर लीजिए। नाउ x इजकल टू 33 आया और x इजकल टू माइनस 44 आया, तो इन दोनों में से कौन करेक्ट होगा। तो माइनस 44 तो स्पीड होगा ही नहीं किसी का, बिकॉज इट इज़ निगेटिव, निगेटिव किसी का स्पीड नहीं होगा, ठीक है। तो इसे लीव कर देंगे तो x इजकल टू क्या होगा 33। तो द स्पीड आप लिख दो, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है आपको पहले से पता है कि 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 11 हो जाएगा, यानी 33 प्लस 11 हो जाएगा, यानी 44 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 44 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड निकला दोनों का, जो पैसेंजर ट्रेन है उसका स्पीड ये निकल गया, और जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है इसका स्पीड ये निकल गया 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह आपका ये जो 10th क्वेश्चन है सॉल्व होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की त्रुटि और कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे समय पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।